नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कांग्रेस की जन जागरण रैली को दिल्ली में इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला फूंका है और पुतला फूंकते हुए कहा है कि महंगाई के खिलाफ केंद्र की सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह का विरोध दर्ज कराया जाए। धनबाद के साथ साथ राजधानी रांची में भी पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि अब यह रैली जयपुर में आयोजित की जा रही है। कांग्रेस ने इसके लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राजधानी रांची में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पीएम मोदी का पुतला फूंका और इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी और देश की जनता से डर गई है, इसलिए जानबूझकर रैली करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हम लोगों का जन जागरण अभियान चल रहा था और उस अभियान के दौरान हम लोगों ने 12 तारीख को दिल्ली के नोएडा के रामलीला मैदान में महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया था। लेकिन जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाह सरकार है, उसने पहले परमिशन दिया और उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल ने उस परमिशन को रद्द कर दिया। तो जब लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, तब इन लोगों को ये लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है और कहीं ना कहीं पूरे देश की जो भावना थी, पूरे देश का जो आक्रोश था, उसको कुंद करने का प्रयास किया गया। उसके विरोध में हम लोग पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन कर रहे हैं। और ठीक है कि आपने दिल्ली का रामलीला मैदान नहीं दिया, नोएडा का रामलीला मैदान नहीं दिया, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द्वारका में करना था, लेकिन हम लोग अब जा रहे हैं राजस्थान और जयपुर में बहुत बड़ी रैली हो रही है सब महंगाई को लेकर के। हम लोग उसमें शिरकत करेंगे और पूरे देश में आज मोदी सरकार का पुतला दहन। देखिए, जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में महंगाई के विरोध में, और उसी कड़ी में 12 तारीख को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जन जागरण अभियान के लिए रैली का आयोजन किया गया था। आप जानते हैं कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है और वो मोदी जी से गाइड होते हैं। 12 तारीख को हम सभी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आज एक बैग लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया, अनुमति नहीं दी गई, और अनुमति नहीं दी गई तो वहाँ कैंसिल करना पड़ा और जयपुर में जन जागरण अभियान का रैली किया जाएगा, उसी दिन किया जाएगा। लेकिन ये मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या की है और उसी के विरोध में आज एक घंटे पहले उन लोगों को निर्देश मिला है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके विरोध में हम लोगों को मोदी जी का पुतला दहन करना है। आज उसी कड़ी में हम लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर मोदी जी का पुतला दहन किया है।